and welcome to my another video. I'm Chaturi Vande, currently studying in Oyenburg State Medical University. So starting with this video, we will talk about MBBS colleges and the NEET analysis and what is expected cutoff. Starting with the physics, section A से 35 questions थे and section B से 15 questions थे. Overall paper अगर हम देखें पिछले साल के comparison में काफी easy paper रहा है इस बार physics का. Then starting with the chemistry, section A से 35 questions and section B से 15 questions थे. Chemistry का paper काफी lengthy था, काफी tough और tricky questions थे इस बार. Physical chemistry से 18 questions थे, inorganic chemistry से 15 questions and organic chemistry से 17 questions रहे हैं इस बार. Then the next, that is the biology. Biology में botany से section A से 35 questions and section B से 15 questions. And then zoology में section A से 35 questions and section B से 15 questions. Bio का paper इस बार moderate रहा है, काफी assertion वाले question आए हैं, statement based, तो काफी lengthy paper रहा इस बार biology का. टोटल अगर हम क्वेश्चंस देखें तो 11th ग्रेड से टोटल 89 क्वेश्चंस रहे हैं और 12th क्लास से 111 क्वेश्चंस रहे हैं. जैसे इक्वली कंपटीशन बढ़ रहा है इस बार, कॉलेजेस एंड सीट्स भी कुछ एमबीबीएस और बीबीएस में बढ़ी है. सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल कॉलेजेस है 272, जिसमें सीट्स है 41,388 सीट्स. एंड देन प्राइवेट कॉलेज और डीम यूनिवर्सिटीज को मिला के पूरे 260 कॉलेजेस हैं, जिसमें कुल सीट्स हैं 35,540. उसके बाद एम्स और जिपमर को मिला के 15 एम्स के कॉलेजेस हैं, जिसमें 1205 दैट इज 1205 सीट्स हैं, और जिपमर के दो कॉलेजेस हैं जिनमें 200 सीट्स हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द बीबीएस. बीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 50 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 3530. Then अगर प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो टोटल कॉलेजेस है 263, जिनमें सीट्स है 23,270. एंड टोटल सीट्स जो बीबीएस के थ्रू में अलॉट की जाएगी नीट के थ्रू, इंक्लूड 313 कॉलेजेस पूरे बीबीएस के हैं एंड जिनमें सीट्स अवेलेबल है 26,780. तो ये इस बार के कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स एंड कुछ गवर्नमेंट कॉलेज इंक्रीज हुए हैं, तो ये उसका एनालिसिस था. सो द लास्ट पार्ट, दैट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये माना जाता है कि ये होगा करीब करीब, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है. जनरल कैटेगरी के लिए होगा 592605, ओबीसी कैटेगरी के लिए हो सकता है 585 to 600, एंड ईडब्ल्यूएस इंक्लूड्स 580 से लेके 590 तक. एससी कैटेगरी के लिए होगा 510 से लेके 520 तक. एसटी कैटेगरी के लिए 480 से लेके 490 तक. एग्जैक्टली ये कट ऑफ हो ये जरूरी नहीं है, इसके करीब करीब कुछ भी हो सकता है. सो दिस वाज इट. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.